हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एफएमजी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और आपको पता है कि एफएमजी का एग्जाम जो है वो जनवरी 2024 को होने वाला है, अब ना ही कि दिसंबर 2023। सो फॉर्म आ चुका है और ये फॉर्म 23rd ऑफ नवंबर से 13th ऑफ दिसंबर 2023 तक रहेगा। सो इसके बीच आप फॉर्म कभी भी भर सकते हो। एंड फॉर्म भरने के बाद आपको दो या तीन चांसेस मिलेंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है या फिर आपके फोटो में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना मेल हमेशा चेक करते रहिए। और यहाँ पर बाकी आपको अगर चाहिए तो आप ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को भरिए। एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टोटल अमाउंट जो है वो 7080 आपको पे करना है। एंड चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको एनबीई के वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एनबीई एफएमजी। सो एनबीई का वेबसाइट nbe.edu.in खुला। यहाँ पर आप एफएमजी को सेलेक्ट कीजिए। एफएमजी को सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर का एप्लीकेशन लिंक, यहाँ पर आपको हर एक चीज दिखेगा, आपका इमेज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ऑलरेडी रजिस्टर और टू रजिस्टर। तो आपको पहले टू रजिस्टर दबाना है, क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर आप उसको लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो टू रजिस्टर है उसको दबाया। यहाँ लिखा है प्लीज कंफर्म इफ यू आर ए एप्लीकेंट और एन एजेंट। सो यहाँ पर मैंने क्लिक किया आई एम एन एप्लीकेंट और सबमिट किया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, आप ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लीजिएगा क्या क्या करना है। उसके बाद फिर प्राइवेसी नोटिस, यहाँ पर नीचे आई अग्री को क्लिक किया। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड किया हुआ है कि कौन सा ब्राउजर में आपको फॉर्म फिल करना है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर देखिए, पहले है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम पे यहाँ पर आपको उस नाम को लिखना है जो आपने एमसीआई के रजिस्ट्रेशन करते टाइम, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था, और सेम कंफर्म कैंडिडेट नेम सेम ही आपको देना है। उसके बाद फिर नीचे है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। नेशनलिटी में यहाँ पर ऑप्शन है इंडियन, नॉन इंडियन, और फिर मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर दोनों जगह सेम सेम फोन नंबर मत दीजिएगा, एक मोबाइल नंबर और दूसरे में दूसरा मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर ईमेल और री एंटर ईमेल आईडी। ये सब होने के बाद फिर नीचे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है। जनरेट ओटीपी को जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको मोबाइल में और ईमेल में दो अलग अलग ओटीपीज आएंगे। यहां पर दोनों अलग अलग ओटीपीज को डालने के बाद फिर नीचे लेफ्ट साइड में डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है आई अग्री, और फिर राइट साइड में यहां पर आपको दिखेगा कैप्चा, वहां पर ये कैप्चा को आप डाल दीजिए। ये डालने के बाद फिर पहले प्रीव्यू को क्लिक करना, प्रीव्यू की क्लिक करके पहले सब चेक कर लेना, उसके बाद फिर री वेरीफाई। ये एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको आपके फोन में और आपको मेल में आपका आईडी और पासवर्ड आएगा। आप सेम फिर वापस ऐसे घूम के सेम चीजें कीजिएगा, एप्लीकेशन लिंक को क्लिक कीजिएगा, बट इस बार आपको टू अप्लाई पे टू रजिस्टर पे नहीं क्लिक करना है, बल्कि ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको मोबाइल के मैसेज पे या फिर ईमेल पे आया था, वो यूजर आईडी आपको डालना है। आपका यूजर आईडी जो है वो FMGE, उसके बाद फिर कुछ सारे नंबर्स होंगे, उसके बाद नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड भी आपको ऑलरेडी आया हुआ रहेगा, आपको नया पासवर्ड नहीं कुछ खुद से बनाना है। उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन करने के बाद फिर ये पहला पेज खुलेगा। इस पहले पेज पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब जो है आपने पहले ही डाल दिया था, वो चीज आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका बाकी डिटेल्स जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद फिर आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास वोटर आईडी नहीं है तो मैंने नो क्लिक किया है, अगर आपके पास है तो आप यस क्लिक कीजिए। फिर नीचे पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड मेरे पास है, तो पैन कार्ड का यस करने के बाद यहाँ पर बगल में पैन कार्ड नंबर डालना है, सेम ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, सेम ऐसे पासपोर्ट, पासपोर्ट का पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का वैलिडिटी, जो पासपोर्ट एक्सपायर जब हो रहा है। नीचे है मार्क द आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस और दूसरा है ऑन बॉडी। ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। अगला है आपका एड्रेस। यहाँ पर दो चीजें हैं, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके पास दो अलग अलग एड्रेसेस है, उन दोनों को क्लिक कीजिए, उन दोनों को फिलअप कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर यस तो यस, नो तो नो। देन नेक्स्ट पेज में है आपका सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे। अगर आपने एफएमजी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भरा है तो जैसे वहां भरा था वैसे सेम वो सब मार्क्स को यहाँ पर उतारना है।
आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में जो मार्क्स लिखे हुए रहेंगे वही सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका कंट्री, यूनिवर्सिटी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपके इनविटेशन लेटर में मिलेगा, जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी का है September 1, 2017, तो जितने भी मेरे बैच वाले बच्चे हैं वो सब September 1, 2017 डालेंगे। और डेट ऑफ पासिंग जो है वो आपको आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जिनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है। मेरे पास जैसे है तो मैंने यस दबाया है, तो कब ये इशू हुआ है ये आपको आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में जो नीचे दिखता है सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मेरे वाले में यहाँ लिखा हुआ है 02012019, वैसे हर किसी में अलग अलग डेट्स लिखा हुआ रहेगा, तो आप अपना डेट यहाँ पर डाल देना। उसके बाद फिर यहाँ पर बाकी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैव यू बीन रेस्टिगेटेड एंड वगैरह वगैरह, वो सब डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। अगला हमको यहाँ मिलने वाला है टेस्ट सिटी, आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, तो स्टेट सिटी आप अपना चूज कर लो। चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। देन अब यहाँ पर आता है ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती है, PDF और फोटोज को JPG फॉर्मेट वगैरह वगैरह, साइज KB वगैरह, वो सब में है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री, NMC सर्टिफिकेट, नहीं क्या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर हो सके तो एक बॉक्स बनाइए जिसका हाइट 1.5 सेंटीमीटर और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर का होगा, और उसके अंदर सिग्नेचर कीजिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। तो जैसे कि मैंने एक ये जो सेकंड वाला बॉक्स है वहां पर मैंने साइन किया था, वो मुझे ठीक लगा, परफेक्ट लगा शेप के हिसाब से, तो मैंने बाद में फिर पेंसिल से वो बॉक्स को मिटा दिया और इसका मैंने फोटो ले लिया। सेम आप इसका फिंगरप्रिंट का भी कीजिएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। तो अलग अलग मैंने थंब इंप्रेशन किया, उसमें से कौन सा फेड है, कौन सा स्लजी हो गया है। मैं जैसे यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसा थंब प्रिंट नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही डार्क है, कुछ ज्यादा ही सब इंप्रेशन एक के ऊपर एक बैठ गए, तो फिर कुछ कुछ इतना लाइट है, कुछ दिख नहीं रहे हैं, एकदम लाइट हो गया है। तो ऐसे थंब इंप्रेशन मत डालिएगा, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का चांसेस है। ये वाला थंब इंप्रेशन फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर कुछ कुछ लाइंस जो है वो मर्ज हो चुकी है एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि ये वाला भी आपको बाद में इशू क्रिएट करे और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो 3-4 अलग अलग थंब इंप्रेशन पेज में करके उसके बाद जो सबसे बेटर लगे, जो लगे कि हाँ कुछ भी एकदम मर्ज नहीं हुआ है, सब ठीक है, वो सब करने के बाद ये सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, उसका फोटो, फोटो लेने के बाद उसको क्रॉप करके, क्रॉप करने के बाद फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं साइज जो है वो मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 80 KB। ये यहाँ पर कंप्रेस JPG इमेज, अपलोड फाइल, जो भी फाइल है वो फाइल को अपलोड किया, फाइल का साइज देख लिया, उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद सेम इसका भी थंब इंप्रेशन का भी, थंब इंप्रेशन का यहाँ पर लिखा हुआ ओरिजिनल साइज क्या है क्या नहीं, देन हर एक को यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ अपलोड किया, उसके बाद फिर थंब इंप्रेशन है उसको अपलोड किया। यहाँ पर है तीसरा अपलोड प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो इसको ये देखिए, ये मेरे यूनिवर्सिटी का है, तो जो मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को अपलोड कीजिएगा। मैंने अपने सीनियर से बात करके उनसे पूछ के उसके बाद ये डाला है, तो उनका तो पास हो गया था, उनका हो गया था, तो हमारा भी हो जाएगा। ये अपोस्टाइल भी उसके साथ ऐड करना है, और रशियन डिग्री नहीं, मतलब रशियन में जो लिखा हुआ है वो नहीं, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो, और ये जो है ये कलर में रहना चाहिए ताकि लगे कि हाँ ये ओरिजिनल है। जिनके पास ये वाला जो UAE का है अगर है तो डाल दो, वरना कोई बात नहीं, वो ऊपर तक रहना है। देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उसको भी हमने अपलोड कर दिया, पासपोर्ट उसको भी हमने अपलोड कर दिया। ये सब अपलोड करने के बाद ये जो व्यू लिखा हुआ है ना, उस व्यू को एक बार क्लिक करके चेक कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि सिग्नेचर की जगह थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो वो व्यू को क्लिक कर करके एक बार लास्ट में चेक कर लेना सारी चीजें जो है अच्छे से हुआ है कि नहीं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फोटोग्राफ, कैप्चर फोटोग्राफ और अपलोड फोटोग्राफ, दो ऑप्शन है, एक हमें फोटो अपलोड भी करना है और दूसरा हमें जो लाइव हम जिस मोमेंट पे फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे कैप्चर भी करना है। तो यहाँ पर क्लिक किया तो कैप्चर फोटो दबाया, तो उसके बाद ऐसा टाइप का आएगा, आप यहाँ पर क्लिक दबाइएगा, क्लिक दबाने पर फोटो क्लिक हो जाएगा। ये चीज आप टैब में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, लेकिन आईपैड में क्या है ना, आईपैड का कैमरा आपको पता है थोड़ा सा ऐसे ऊपर तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, तो उसमें क्या है कि फोटो टेढ़ा आता है,
तो यहाँ पर ये व्यू कैप्चर्ड और व्यू अपलोड फोटो क्लिक करके एक बार चेक कर लेना कि फोटो जो है उसका ओरिएंटेशन वगैरह सब ठीक है कि नहीं। लेकिन यही है कि आईपैड में क्या है कि कैमरा से टेढ़ा होता है, उसकी वजह से नहीं दिखता। और फोन में भी जो है, फोन में अगर आप सीधा पोर्ट्रेट मोड में ले रहे हैं तो आपको फोटो सीधा आएगा, अगर आप लैंडस्केप मोड में कर रहे हैं तो आपको फोटो टेढ़ा दिखेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब होने के बाद हो चुका, ये अपना फॉर्म फिल हो गया है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर नीचे हम जाकर आई अग्री जो भी है रिव्यू वगैरह वो सब सब क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल किया, कैप्चा फिल करके पहले प्रीव्यू को क्लिक करना, प्रीव्यू क्लिक करने के बाद फिर लास्ट में सबमिट। प्रीव्यू में आपको सब आपका नाम वगैरह सब कुछ दिखेगा, वो सब चेक कर लेना, आपका फोटो चेक कर लेना, आपका सिग्नेचर चेक कर लेना, सब कुछ आपको जो है उसका ओरिएंटेशन जो है सबका ठीक दिख रहा है कि नहीं। फिर लास्ट में यहाँ पर पेमेंट, पेमेंट में हमने किया डन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल, थैंक यू।